फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी। देखो इन्होंने की क्या है, 20th टर्म फाइंड करनी है फ्रॉम द लास्ट। फ्रॉम द लास्ट का मतलब क्यों क्या, ये थोड़ा की होजूगा फर्स्ट टर्म हो जूगा। ठीक है, देखो फर्स्ट टर्म, फिर सेकेंड टर्म, फिर थर्ड टर्म, सोन अप टू लास्ट, तो आप कि फाइंड करनी है 20th टर्म फाइंड करनी है। देखो 5-5 का डिफरेंस है। हूँ देखो 8 तो पहला की आ रहा 3 आ रहा है, 13 तो पहला की आ रहा 5 आ रहा है। इदू पहला टर्म थोड़ी की होजूगी 248 हो जूगी। देखो ए थोड़ा की बन जूगा 253। डी अगर ना पता चले ना तो इधरों देख लो, दिस माइनस दिस, 8-3 की आ रहा 5। अगर इधरली साइड तो पॉजिटिव है तो इधरली साइड तो की होगा नैगेटिव होगा। अगर इधरों नैगेटिव है तो इधरों की होगा पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि इधरों देखो इनक्रीजिंग ऑर्डर से जा रहे हैं, इधरों डिक्रीजिंग ऑर्डर से जा रहे हैं। तो अपना ए अपना 253 है तो डी की हो जूगा, तुम इन्हें चुनू माइनस कर दोगे। ठीक है, अदरवाइज नहीं तो इधरों देखो डी अपना किन्ना जो 8-3 5, इधरों पॉजिटिव है तो इधरों क्या होगा नैगेटिव, क्योंकि देखो इधरों डिक्रीज हो रहा है ना 253 तो बाद की आ रहा 248, फिर ऐसे तरह 243। अपने को ए भी हो गया डी भी हो गया। देखो ए डी दोनों वैल्यूज है अपने को, 20th टर्म फाइंड करनी है। 20th टर्म का फॉर्मूला पता ही अपने, ए प्लस 20-1 इंटू डी, ए प्लस 19 डी। ए की वैल्यू थोड़ी कितनी है 253, 9+19 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है -5, 253 प्लस माइनस माइनस 19 इंटू 5 95, माइनस कर दो इन्हें चो 158 आंसर आ जाएगा।